पर कई औरतें ऐसी जिनको नहीं है, बड़ा जानकारी भी नहीं है उनको, तो एक कई ऐसे त्यौहार होते हैं जो औरतों को दूसरों के लिए मनाती है, पर एक ऐसा दिन है वुमेंस डे जो महिला अपने लिए मनाती है, अपने अधिकार के लिए आती है, बाहर निकलती है, लड़ती है। ये हिंसाचार के माहौल की वजह से आज औरतों की ज़िंदगी बहुत ही असुरक्षित हो गई है। सरकार की पॉलिसी जीरो पे है इस समय, हम इसको नहीं मानते हैं पॉलिसी। सरकार मौन बनी है लेकिन उनके जो गुर्गे हैं वो काम कर रहे हैं इस समय, पीछे मिलकर काम कर रहे हैं, और सरकार की इसमें सहमत है इसीलिए ये हो रहा है। यदि यदि हमारे PM की सहमत नहीं होती तो ये सारी इतना हड़दंग देश के अंदर नहीं होता, नहीं होता। वो पीछे से मौन बन के उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपने दंगाइयों को कि हाँ तुम करे जाओ और मैं पीछे से आपको सपोर्ट करता हूँ। आज पहली बार भारत के अंदर विमेन्स वर्क पार्टिसिपेशन रेट इतना कम हो गया है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। औरतों को आज काम नहीं मिल रहा है, ये आज हकीकत है। तो बहुत बड़े पैमाने पे वो ढकेली जा रही है असंगठित क्षेत्र में, इनफॉर्मल सेक्टर में, जहाँ पर कोई भी कानूनी सुरक्षा नहीं है और मुआवजा या वेतन बहुत ही कम मिलता है। वहाँ पे शोषण बहुत बड़े पैमाने पे होता है। औरतों के हाथों को काम मिलना चाहिए। शी हैज़ अ राइट टू गेट जॉब, टू गेट वर्क। देखिए, वो औरतों के लिए स्कीम बनाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने औरतों के लिए स्कीम बनाई, क्या विचार है उसके पीछे, उसका नाम है कन्यादान योजना। पहली बात उनसे पूछो कि क्या ये शब्द कन्यादान और ये प्रैक्टिस कन्यादान, क्या ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं है? और क्या आपको औरत की मदद करना है तो क्या सिर्फ शादी करवा के करना है? लड़कों के लिए तो आप नहीं कहते कि तुम्हारी शादी के लिए हम लोन दे रहे हैं, तो आपने ये कैसे मान लिया कि हर लड़की की किस्मत वो होनी चाहिए? फिर एक सरकार UP में आई, उसी हफ्ते उन्होंने चालू किया रोमियो ब्रिगेड, कि जो रोमियोज घूम रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उनको मारा जाए। पहली बात, जो लड़के छेड़खानी करते हैं उनको रोमियो का नाम देना गलत है, इनको मालूम ही नहीं है रोमियो कौन था। जिस मर्द ने मोहब्बत के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी उसका नाम आप यूज़ कर रहे हैं छेड़खानी के लिए। फिर हिंदू मुस्लिम शादी करते हैं तो उसको लव जिहाद का नाम दे दिया। आज तक 33% आरक्षण ये सरकार ने दिया नहीं है, उन्होंने वायदा किया था। कहना चाह रहे हैं दुनिया को कि सीना पिरोना है धंधा पुराना, हमें दो ये दुनिया गर रफू है कराना, आपके बस का नहीं है दुनिया चलाना, आपने तोड़ के रख दिया। एक पार्टीशन 47 में हुआ, अब आप गांव-गांव में पार्टीशन करा रहे हैं हिंदू मुसलमान के बीच, दलित ब्राह्मण के बीच। हम जानते हैं लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाता है, तो थोड़ी हमारी बात सुनिए। हम प्यार की बात करते हैं, वो नफ़रत की बात कर रहे हैं। तो हमारा तो स्लोगन यही है, नॉट लव ऑफ पावर, पावर ऑफ लव। जिन औरतों और मर्दों ने औरत और मर्द की बराबरी के लिए संघर्ष किए उनको सलाम करना, चाहे वो सावित्री बाई फूले हों, चाहे महात्मा फूले हों, चाहे कार्ल मार्क्स और लेनिन हों, चाहे पेरियार हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, उन सबको सलाम करना और कहना कि हम आपके कंधों पर खड़ी हैं। अगर आपने हमारे लिए संघर्ष न किए होते तो हम आज यहाँ ना होते।